लुइस मरांडे पर जारी सस्पेंस को जेएमएम ने आखिरकार समाप्त कर दिया। झामुमो ने लुइस मरांडी को जामा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। लुइस मरांडी ने सबसे जेएमएम का दामन थामा है। तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन्हें जामा सीट से अपना उम्मीदवार बनाएगी। जामा में अब जेएमएम की लुइस मरांडी का मुकाबला बीजेपी के सुरेश मुर्मू से होगा। बता दें कि जामा सीट जेएमएम के लिए बेहद ही खास मायने रखती है। इस सीट पर शिबू सोरेन के बड़े बेटे और हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन चुनाव लड़ा करते थे। उनके निधन के बाद हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने इस सीट पर जेएमएम के टिकट से चुनाव लड़ा और विधायक बनी। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान नाराजगी के बाद सीता सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता ने सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी सुप्रीमो पर निशाना साधा। शशांक शेखर ने कहा कि जिस मानसिकता वालों के खिलाफ जेएमएम ने 34 वर्षों से लड़ाई लड़ी, आज उसी मानसिकता वाले के सामने जनता को फेंक दिया गया। उन्होंने लिखा कि जनता की अदालत में न्याय की प्रत्याशा में हूं, वरना राजनीति और क्षेत्र से संन्यास एकमात्र विकल्प है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बावरी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, रविंद्रनाथ कुमार राय, धर्मेंद्र प्रधान, मोहन यादव, स्मृति ईरानी, नायाब सिंह सैनी, मोहन चरण मांझी, विष्णुदेव साई, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी, अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, चंपाई सोरेन, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, कर्मवीर सिंह करिया मुंडा, दीपक प्रकाश, विद्युत वर्ण महतो, प्रदीप वर्मा, सीता सोरेन, रामचंद्र वंशी, मनोज सिंह और घूरन राम का नाम शामिल है। जामताड़ा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के खिलाफ किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने की बात से कांग्रेस प्रत्याशी और मंत्री इरफान अंसारी ने इनकार किया है। उन्होंने बीजेपी पर वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता और सीता सोरेन पर 1 करोड़ की मानहानि करने की बात कही है। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जीत जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिसको मैं हरा चुका हूँ, उनको मैं कहूँगा, यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए, नहीं तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूँ कि आपके साथ लड़ने में मजा आता था, यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा इन दिनों झारखंड दौरे पर हैं। वो लगातार एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को हिमंता ने चुनाव प्रचार से पहले रांची प्रदेश कार्यालय में बैठक की। उसके बाद दीपक प्रकाश के साथ प्रचार के लिए निकलने लगे, लेकिन तभी अचानक वो गाड़ी में बैठने के बजाय एक केक शॉप पे पहुंच गए और फिर जो हुआ वो आप तस्वीर में साफ साफ देख पा रहे होंगे। समोसा और केक सहित कई खाने पीने के सामान उन्होंने खरीदे, खुद खाया और साथ में मौजूद नेताओं को भी खिलाया और कुछ समय अपने साथ भी पैक कराकर ले गए। सर, फुर्सत निकाल के आप गए रेस्टोरेंट में, आपने क्या खाया, यहाँ क्या अच्छा लगा? थोड़ा सा राशि का जम का थोड़ा सा स्वाद लिया। कैसा लगा? अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लोग भी प्यारे हैं, खाना भी प्यारा है।
क्या लग रहा है इस बार जीतेगा चुनाव? हम उसमें क्या लगने का क्या बात है, सब कुछ हो चुका है। सीता सोरेन के प्रति कांग्रेस नेता और मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि सीता सोरेन कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हुआ करती थी, वो सोरेन परिवार की बहू हैं। उनके लिए जिस तरह से अपमानजनक शब्द का प्रयोग इरफान अंसारी ने किया, उसी प्रकार का शब्द दूसरी बहू कल्पना सोरेन पर करते तो जेएमएम चुप रहता। चुनाव में उनके चेहरे को बीजेपी एक्सपोज करेगी। एक जो चरित्र रहा है इससे इंडिया अलायंस का, कि जिस तरह से महिलाओं को टारगेट करते हैं, जो आज एक बयान आया है इरफान अंसारी का कि कल नॉमिनेशन के पश्चात जो उन्होंने कहा सीता सोरेन के लेकर, न सिर्फ घोर आपत्तिजनक है बल्कि उनकी मानसिकता को दिखाता है कि औरतों के बारे, लड़कियों के बारे वो उसकी मानसिकता क्या, वो क्या सोचते हैं। तो जो शब्दावली जो उपयोग किया गया, मैं समझता हूँ कि एक संरक्षक भाषा है वो, और इस तरह की भाषा वही लोग इस्तेमाल करेंगे जिनके संस्कार उस तरह के। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरायकेला से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन के बाद चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड ही नहीं पूरे भारत देश में भाजपा की लहर है, हम बड़े अंतर से जीतेंगे, भाजपा की इस लहर को कोई नहीं रोक पाएगा, झारखंड में कांग्रेस के साथ गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है और वे इन चुनावों में कहीं नहीं टिकते। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरायकेला सीट से गणेश महली को चुनावी मैदान में उतारा है और संथाल आदिवासी में यदि ओलची की लिपि को भी 8वां अनुसूची में यदि शामिल किया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी ही उसको आज 8वां अनुसूची में शामिल किया है। हर समय आदिवासी को सम्मान देने के काम किया है भारतीय जनता पार्टी, झारखंडियों को सम्मान देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। चलिए निश्चित रूप से जो भी बांग्लादेशी घुसपैठी के माध्यम से आदिवासी के जमीन पर बस गया है वो जमीन आदिवासी को वापस कर दिया जाए। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इस विधानसभा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, वो चुनाव आयोग से जुड़कर काम करेंगे और मतदाताओं से ज्यादा वोट करने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में 16 आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिक अब तक दर्ज की गई है। देखिए स्वीप के साथ में हम लोग के साथ में काम करेंगे सीसी इलेक्शन में, इसमें अपने तस्वीर वाला यूज करने के लिए सहमति दे दिए हम लोग, और भी कुछ उनसे हम लोग को कोलैटरल मांग रहा है ताकि हम लोग का वोटर का टर्नआउट का प्रमोट करने के लिए हम लोग के साथ में काम करेंगे। झारखंड चुनाव को लेकर रांची पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने बैठक की, सीमावर्ती राज्यों के वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ अंतर राज्यीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें डीजीपी ने सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों से सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की। बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और यूपी जो कि हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, उनके डीजीपी या उनके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उनके साथ ये बैठक हुई और मुख्य तौर पर उसमें जो जितना अभी LWE जितने भी उग्रवाद संबंधित जो सिचुएशन है हमारे बॉर्डर्स पर उसके बारे में डिस्कशन, लंबा डिस्कशन हुआ। उसके बाद जितने भी हम लोगों को चेक नाका अपने एक्टिवेट करने थे हमारी जो बॉर्डर्स हैं और करस्पॉन्डिंग जो नेबरिंग स्टेट हैं वहाँ पर उनकी संख्या, उनका काम और जो अभी स्टार्ट नहीं हो पाए उनको एक्टिवेट करने और उनको स्टार्ट करने का आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया। गढ़वा जिले के SP दीपक पांडे ने बीती रात यूपी झारखंड के बॉर्डर बिलासपुर में स्थित चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न पहलुओं को देखते हुए कई सारे दिशा निर्देश उन्होंने खासकर यूपी से झारखंड के रास्ते बिहार जाने वाले अवैध शराब के लिए विशेष चौकसी में रहने का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि लगातार यूपी से झारखंड में आने वाला अवैध शराब को झारखंड पुलिस की चौकसी के वजह से पकड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने चेक पोस्ट पे तैनात अधिकारी और पुलिस कर्मी को कहा कि सभी गाड़ियों का जांच जरूर करें।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्टेट सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से 3 बड़े गाड़ियों को जब्त किया, जिसमें 2 गाड़ियों में मोटरसाइकिल और 1 गाड़ी में कंबल लदे थे, जबकि इन गाड़ियों के ड्राइवर से लदे हुए सामग्री की कागजात प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो जिस ट्रक पर 24 मोटरसाइकिल लदे थे उसके कागजात संदिग्ध पाए गए, जिसके बाद इसकी सूचना सदर SDO सुलोचना मीना को दी गई। साढ़े 4 बजे स्टेट टैक्स ऑफिसर ने 3 गाड़ियां जब्त की हैं। 1 गाड़ी में 1 बड़ा ट्रक है जिसमें कुल 24 बाइक्स हैं, जिसका बिल जब प्रोड्यूस करने को कहा तो बिल प्रोड्यूस नहीं हुआ। डिफरेंट टाइप्स की बाइक्स थी इसलिए हम उसको एक फ्री बीज में कंसीडर कर रहे हैं जो इलेक्टोरल ऑफेंसेस के अंदर आता है अंडर MCC। यहाँ पर उस टाइम वो बिल प्रोड्यूस नहीं कर पाए, उसके बाद जब उन्होंने बिल प्रोड्यूस किया तो वो सीजर के 40 मिनट बाद का था, जो कि ज़्यादा सस्पिशियस बन जाता है। उसके अलावा 2 गाड़ियां हैं, 1 गाड़ी में 5 बाइक और मिली हैं।